अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं शाम के लिए कुंदरू का सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों, कुछ दिनों से कुंदरू का जड़ धूप के वजह से मर गया था और अभी कुछ दिनों से पानी आ रहा है तो कुंदरू का जड़ फिर से जी गया और मेरा भी फायदा हो गया सब्जी खाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हम लोग का कुंदरू हरा भरा हो गया है। दोस्तों, कुंदरू ऊपर ऊपर फला है तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुर्सी ले आती हूं, फिर कुर्सी के ऊपर चढ़ के कुंदरू तोड़ लूंगी। तो दोस्तों, मैं उस तरफ का कुंदरू तोड़ चुकी हूं और इस तरफ का भी मैं कुंदरू तोड़ लेती हूं, नहीं तो धूप में पड़े पड़े खराब हो जाएगा। और मेरे को अभी थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा घास वगैरह है, कहीं सांप वगैरह ना छुपा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब सारा कुंदरू को मैं अच्छे से धीरे धीरे करके तोड़ लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा मैं कुंदरू तोड़ ली हूँ और इस बार हम लोग का कुंदरू का नायर मर गया था और बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा इस बार फल हो गया है उसका पत्ता, तो हम लोग का सब्जी खाने का भी काम आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कुंदरू फला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर इसको बनाने के लिए। और दोस्तों, इसका सब्जी भी बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग के गाँव में, तो इसको कुंदरू बोलते हैं। आप लोग के तरफ क्या बोलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका सरसों मसाला में भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और इसका भुंजिया भी आप खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर इसको लेके। तो देखिए दोस्तों, मैं कुंदरू तोड़ के आ चुकी हूँ घर और कुंदरू का पानी लग गया था हाथ में, तो मैं साबुन से अच्छे से धो लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कुंदरू को भी अच्छे से धो लेते हैं, फिर काटना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कुंदरू को अच्छे से धो चुकी हूँ, अब चलिए काटना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं कुंदरू काट चुकी हूँ और अभी घर में टमाटर भी ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी वाले लोग टमाटर जगाए हैं तो उन लोग बोले थे कि आइएगा हमारे यहाँ टमाटर लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, टमाटर लेके आती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग के घर से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाती हूँ टमाटर का खेत। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरी काकी हैं, वो टमाटर ही तोड़ रहे हैं और बुलाए थे भी कि टमाटर लेने के लिए आइएगा। तो चलिए दोस्तों, लाल लाल टमाटर है तो उसको तोड़ लेते हैं और इनका टमाटर तोड़ने में भी मैं हाथ बटा देती हूँ। दोस्तों, इतना ज़्यादा टमाटर हम लोग तोड़ लिए हैं और वहाँ पे जाएंगे तो देंगे। चलिए अब खेत से निकलते हैं बाहर और उधर भी पका हुआ है काफी। चलिए तोड़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टमाटर लेते हैं और मैं घर से प्लास्टिक लेके आई थी उसी में लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी काकी मेरे को टमाटर दे चुकी है, अब इसको लेके चलते हैं घर। तो देखिए दोस्तों, इधर अलीजा भी बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही है कि चाची मेरे को दीजिए टमाटर पकड़ने के लिए, और मैं उसको समझाई कि टमाटर बहुत ही ज़्यादा भारी है, गिर जाएगा तो फूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर, घर में सब्जी भी बनाना है और टमाटर भी मिल गया है। तो इधर देखिए अलीजा कितनी जिद कर रही थी और खुद से ही पकड़ के आ रही है वो। तो दोस्तों, आज मैं अंदर वाला किचन में बनाऊंगी और आज लकड़ी भी ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए, मैं हीटर में ही बना लेती हूँ कुंदरू का सब्जी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और तेल भी डाल दूंगी गर्म होने के लिए, फिर अच्छे से कुंदरू को भूंज लूंगी।
सब्जी खाना बना चुकी हूँ और सब्जी खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा सा नहा ली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था आज। और आज हम लोग को शादी में भी जाना है और मेरी सासू अम्मा शादी में नहीं जाएंगे, उनका तबीयत खराब है, बुखार वगैरह नहीं छूटा है। तो चलिए दोस्तों खा लेंगे और हम लोग तैयार हो जाते हैं शादी में जाने के लिए। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं शादी में। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और सासू अम्मा खा पी के थोड़ा सा आराम कर लेंगे, वो नहीं जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, तो देखिए यहीं पे फुल इंतजाम किया गया है और यहाँ पे कोई मेहमान वगैरह नहीं आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग चाट लेके खा रहे हैं और इधर आलिया भी है और अभी अभी आलिया की बड़ी अम्मी लोग भी आए हैं, हम लोग आगे आ गए थे। तो ये देखिए सब बच्चे तैयार होके बैठ गए हैं, इधर अलीजा भी आई है। चलो अलीजा हाय बोलो। तो चलिए दोस्तों अब मैं भी खा लेती हूँ, ये देखिए मेरा वाला भी रखाया हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी बड़ी अम्मी ले रहे हैं, मेरी अम्मी से बड़ी है। चलो चलो गाइस बोलो, इसलिए बुलवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग शादी से आ चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया शादी में जाकर, और मेरे बचपन के सहेली लोग भी मिले थे और सभी लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही दिन में मिले थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़ बाय।